हाँ चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। टाइम अभी तकरीबन हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं जी खेतों में ट्यूबवेल चलाने के लिए। तो गंदम का काम जी हो गया था खत्म, अभी नेक्स्ट जो है वो धान की फसल लगानी है या फिर चड़ी वगैरह जो होती है जानवरों का चारा होता है वो लगाना है। तो खैर यार, इसके अंदर पेट्रोल वगैरह है तो अभी चलते हैं खेतों में और जाकर ट्यूबवेल चलाते हैं। उतनी देर तक अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अभी चलते हैं खेतों में। चलो जी पहुंच गए नहीं हम लोग जिधर हमें आना था, ये वाला ट्यूबवेल जी चलाना है। तो खैर सबसे पहले यहाँ पे रास्ता बना रहे हैं पानी के लिए, इसको आड़ बोलते हैं। ये सारे रास्ते के साथ आगे आगे घास काफ़ी ज़्यादा आ रही है जिसकी वजह से यहाँ पे आड़ बनाई जा रही है। चले जी अंकल जो है वो वीडियो में आना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, वधिया। कितने चल रहे हो? तुड़ी लैन चल रहे हो? इन्ने डंगर रखे थे? नाम की तुहाडा? बूटा। चलो कोई नहीं यार, मेहनत से ही बंदा सीखता है यार। चलो चलो अभी इसको कई लग गई है लेकिन फिर भी ये लगा हुआ है, ये आर आ रही है और ये यहाँ पे इसका रास्ता बन जाएगा पानी के लिए। ओ यू आर गोइंग किधर ब्रदर? पीटर को पानी लगाना है, आ जाओ इधर ट्यूबवेल चला। ये बंदा चारा काट के आया, इसकी हालत चेक करे, ये पसीना जाएगा। ओके कोई बात नहीं, ये बंदा अभी चारा काट रहा था। सबके काम डिवाइड है यार, एक बंदा ट्यूबवेल चलाएगा, एक बंदा चारा काटेगा और इस तरह करके मिलजुल के काम करते हैं। तो फाइनली जी जो रास्ता बनाना था इस तरफ पानी के लिए वो हो गया है रेडी, यानी कि जो है आर जो है उसको साफ कर दिया है, जो घास वगैरह था वो सारा का सारा निकाल दिया है। तो अभी बारी आ गया है जी पीछे मेरे ट्यूबवेल को चलाने की। तो सबसे पहले जी पेट्रोल डालते हैं इंजन के अंदर, फिर गेरा लगाएंगे और ट्यूबवेल को चलाएंगे। ये कितनी प्यारी है छोटी वाली। चलो जी अभी पेट्रोल जी डाल दिया इसके अंदर, अभी इसको स्टार्ट करना है। ये देखिए इसके अंदर पेट्रोल डाला हुआ है, अभी इसको ये साथ ये पाइप आ रहा है, ये इसके साथ कनेक्ट है इंजन के साथ, ये चेक करें। चलो जी अभी स्टार्ट होने लगा है। पानी भी आ गया भाई, सब साथ ही चेक करें और फिर चला गया। अच्छा अच्छा उसका पट्टा जो है वो उतार दिया इसलिए पानी बंद हुआ, नहीं तो पानी साथ ही आ गया हुआ था। अभी बीज जाके ना वो सही करेंगे। ये देखें ये इसका पट्टा है और ये नीचे गिर गया हुआ है। इसके अंदर है जी ब्रोजा, उसको गर्म कर लिया यहाँ पे आग लगा के। अभी ये स्टार्ट नहीं था और फिर बंद हो गया। तो जी इस खेत को पानी लग रहा है और ट्यूबवेल हमने चला दिया है। तो अभी चलते हैं घर, सुबह तकरीबन 7 बजे उठे थे तो अभी नाश्ता नहीं मैंने किया हुआ, तो नाश्ता वगैरह करना है। कुत्ता ही भाई साहब कुत्ता आ गया। और ये देखेंगे तुम जिस तरह करके समेटती है साड़ी की साड़ी। तो अभी फैमिली भी पहुंच गई है यहाँ पे, तो नेक्स्ट विलेज कब जाना है वो आपको पता चल जाएगा। अभी फिलहाल तो नहीं जाने लगे क्योंकि वो अभी आए हैं, उन्होंने कुछ दिन इधर रुकना है। अभी नाश्ता करते हैं, नेक्स्ट प्लान आपको पता चल जाएगा। चलो जी अभी हम जाने लगे हैं वापस दोबारा से खेतों में, पानी वगैरह जो लगा हुआ उधर चलते हैं जाके देखते हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया, रेस्ट वगैरह भी कर लिया, हवेली में भी हम लोग आ गए हैं। तो अभी ये जो पेंसे वगैरह इनको छाँव में बांधना क्योंकि काफ़ी तेज धूप जब वो आ गई है। तो फिर चलते हैं ट्यूबवेल जहाँ पे चलाया हुआ उधर। ये देखें जिसको खोल लिया है, इसको छाँव में लेके चलते हैं। इधर आ इधर आ इधर आ, चलिए चलो चलो चलो। तो ये छाँव है इधर लेके आते हैं इसको। यार इनको मुझे बांधना नहीं आता, इनका कोई अपना तरीका कार है, तो मैं इसको यहाँ छोड़ दूंगा खुद ही ये बांध लेंगे। चलो इधर खोलो के इधर पट्टे खाओ। अगर मैं ऐसे ही खोल दिया अब मैं उस तरफ चलता हूँ। बांधने का तरीका कार बताइए, इनको आता है मुझे नहीं आता तो मैं नहीं बांधने वाला। अभी जी दोबारा से हम लोग जा रहे हैं खेतों में और लाइट भी चलेगी हुई है विलेज में आज। लाइट इधर 9 बजे गई है और 2-3 बजे आएगी और बैटरी शुक्र है मैंने चार्ज कर ली हुई थी टाइम पे, नहीं तो ये व्लॉग नहीं था बनना मेरा। चलो जी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ट्यूबवेल पे। तुड़ी लैन गए हुए थे यार, इसको नीचे करना मैंने।
हाँ चल फिर से बंद हो गया जी। यार इसको क्या हो रहा है यार, ये जो पट्टा है ये लगा हुआ है ये बार बार उतर जाता है, वो नीचे उतर गया हुआ है, तो अभी दोबारा से इसका कोई जुगाड़ करना है यार। ये बार बार उतर ही जा रहा है, पता नहीं क्या इशू चल रहा है इधर। तो यार पट्टा उतर गया पीछे से, वो पीछे फुफड़ बैठे हुए कहते ने की होया पीटर क्यों बंद होया, उनको बताया कि पट्टा उतर गया जी। आपके भाई को भी पता चल गया यार, विलेज में आके काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो जाता है अगर आप कहीं पर टाइम स्पेंड करते हैं, कहीं पर रहते हैं। भाई चारा लेके जा रहे हैं साइकिल पे जी, ये देखें एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक इस तरफ है। ये सारे आम लगे हुए हैं, अभी कच्चे हैं, अंबिया हैं अभी। ये देखें कितनी ज़्यादा अंबियाँ लगी हुई हैं यार इस तरफ, तो चेक करें इस तरफ से शाम की आवाज़ें आ रही हैं, ये ज़रा सुने। तो खैर यार अभी ना एक बच्चे ने यहाँ पे एक चीज़ बनाई है, गाड़ी बनाई है खुद ही गत्तों के साथ, तो कह रहा है वीडियो में दिखाओ, तो भी वो दिखाते हैं। ये देखिए जी दिखाओ ज़रा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मतलब कि पुराने ज़माने में 1990 में लगा ले या फिर 80 में लगा ले, औरतें अपने घर में डिज़ाइनिंग किया करती थी सूई धागे के साथ, यानी कि सरानों के कवर हो गए, उसके अलावा पौने हो गए जिसके साथ रोटियां वगैरह बनाते हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो औरतें घर में बनाती थी। और आज 2024 में फूफो घर पर वो चीज़ें बना रही हैं, और अभी आपको मैं दिखाता हूँ भाई साहब सुई के साथ डिज़ाइनिंग वगैरह कर रही हैं। ये देखें भाई साहब यहाँ पर कुछ सैंपल पड़े हुए हैं, ये टांके हैं बेसिकली, अभी आपको मैं दिखाता हूँ सही से करके। मैं इनके नाम भी उनसे पूछ के आया हूँ, याद करके आया हूँ, मुझे तो पता नहीं था। चल हाँ ये जो टांका है ना ये वाला, इसको बोलते हैं मोती टांका, एक इस तरफ है और एग्जैक्ट सेम डिज़ाइन है। उसके अलावा एक ये वाला भी है, ये खुद ही जितनी भी डिज़ाइनिंग है ना ये अपने हाथ से की हुई है और अभी भी कर रही है, इसको बोलते हैं जी पोला टांका। ये वाला जी पोला टांका है, ये भी खुद ही हाथ से किया हुआ है। पुराने ज़माने में किसी को गिफ्ट करना हो कि एज अ गेस्ट किसी को गिफ्ट करना हो, कुछ भी बनाना हो ना कपड़े के डिज़ाइन पे, वो खुद ही किया करते थे। ये मोती है, वो पोला है, और एक और जो है वो तैयार हो रहा है, उसका नाम था, मैं नाम था उसका मोती पोला, और यार नाम भूल गया मुझे, मैं उनसे पूछ के फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं भूल गया। और सिंधी टांका, तीन टांके हैं और इनका जो यूज़ है पर्पस इनका यही है कि जो होते हैं ना तकिए सरहाने वगैरह उनके ऊपर ये कवर करते हैं, शार्ड हम इनको बोलते हैं पंजाबी में, शार्ड ज़्यादातर बोलते हैं। तो अभी फूफो मुझे कह रही थी इधर आवे वीडियो बना दिखा कल्चर दिखा, तो फिर मैंने कहा भाई शेयर करते हैं, मैं विली आया हूँ तो सारा कुछ तो एक्सप्लोर करना बनता है ना। और देखिए जी आज फिर साड़ी की साड़ी गंदम जो है यहाँ पे बिछा दी हुई है धूप में, ये देखें इसको डेली इस तरह करके शाम को इकट्ठी कर लेते हैं और फिर दोपहर टाइम जब धूप निकलती है इसको बिछा देते हैं ताकि अच्छे तरीके के साथ धूप लगे और ये कड़क हो जाए जब मशीन पर जाए आटा बनने के लिए, तो क्रिस्पी होगी तो आटा निकलेगा, अगर गीली होगी हल्की सी भी सिल्ली जिसको बोलते हैं पंजाबी में बेसिकली, तो फिर जो है वो आटा जो है वो नहीं सही निकलता, तो इसलिए ये देखें ये आपको मैं दिखाता हूँ यार गीली और सूखी में फ़र्क। ये गीली है, ये देखें ये गीली है और ये सूखी है। दोपहर का खाना जी आ गया, चावल रायता, टाइम हो रहा है जी पूरे पूरे 5 बज गए हुए हैं और मैं दोबारा से खेतों में जा रहा हूँ। तो पहले हम लोग दोपहर में आए थे तकरीबन 12 बजे, तो अभी 5 बज रहे हैं और अभी तक ट्यूबवेल जो है वो चल रहा है नॉन स्टॉप। अभी आप ये चेक करें ये सारे खेत को पानी लग गया हुआ है, अब वो साथ वाले में लगाना शुरू कर दिया था। चले जी अभी ये बंद करने लगे हैं, तो फाइनली जी ट्यूबवेल जो अब जाके बंद कर दिया। ये देखें जरा पानी लग गया जितना भी लगाना था खेत को। टाइम अभी हो रहा है 5:30 हो रहे हैं और अभी चारा काटने के लिए जी आए हुए हैं सुफियान भाई अवैस भाई और मैं हूँ। चुप कर जाए और ला दूसरा भी शुरू हो गई।
तो खैर यार, चारा काटने का ये बिल्कुल नया तरीका है मेरे लिए, मैंने पहले ऐसे कभी नहीं देखा। दरांती के साथ बैठ के काटते हैं, लेकिन ये तरीका जो है दूसरा है। दात्री का अबू दात्रा है, तो इसके साथ काट रहे हैं। अवैस भाई जी चारा वगैरह खेतों में काट रहे हैं, मैं और सुफियान भाई घर आ गए, क्योंकि अभी गाय का दूध वगैरह निकालना है, भैंसों का। तो अभी ये देखें बर्तन वगैरह रेडी हैं, तो अभी सबसे पहले तो इनको वॉश करना, धोना है। टाइम तकरीबन 10 बज रहे हैं और कुत्तों का हमला हो गया जी। ये देखें दो कुत्ते आगे हुए हैं। अब ये देखा, ये भाग है, और ये एक छोटे की तरफ देखे, कितना क्यूट है यार। गुड मॉर्निंग जी, नेक्स्ट डे है और अभी मैं हवेली में हूँ। सारे जानवर जो है वो धूप में थे, छाँव में बांध दिए हैं, और अभी हम लोग जाने गए नाले पे। नाला है विलेज में कोई, तो वो देखते हैं जाके, वहाँ पे कई बार लेके जा रहे हैं, पता नहीं सुफियान भाई को कोई काम है। तो खैर हवेली का सारा काम हो गया फिनिश, तो अभी चाबी मैंने पकड़ लिया, तो अभी चलते हैं नाले पे। तो फाइनली जी हम लोग नाले पे पहुंच गए हैं, ये नाले पे हम लोग चल रहे हैं। ये देखें जी, ये वाला नाला है, और ये सारा का सारा वो पीछे गांव से आ रहा है, ये गांव है सारा, वो पीछे से हम लोग आए हैं इस तरह करके, ये साथ साथ आ रहे हैं। इसी नाले के साथ साथ वहाँ पे आगे खेत है जी, ये ऊपर जड़ी जड़ी है, इसके नीचे पानी है। ये देखें जी, यहाँ से भी पानी का रास्ता जो निकल गया, और आगे से नाला जो है वो बंद हो गया, बस आगे खेत शुरू हो गए हैं। और ये वाला जो खेत है, ये पप्पो का खेत है। टाइम अभी हो रहा थी 1:48 हो गए हैं, मैं और सुफियान भाई वापस आ गए दोबारा से खेत को। इस खेत को पानी जो लगाया हुआ था यहाँ से, मैंने आपको दिखाया था सुबह पहले टाइम, तो अभी सेकंड टाइम हो गया हुआ तकरीबन, चेक करें ज़रा यहाँ तक पानी आया। ये देखें, ये सारा का सारा इतना लग गया हुआ। ये सामने ये देखें जी, ये एक जानवर है, इसको टिटली कहते हैं, और इसकी टांगें देखें कितनी ज़्यादा लंबी हैं। और ये देखें भाई साहब, इसने यहाँ पे अंडे दिए हुए हैं। खेत को जी पानी लगा दिया था, उसके बाद घर हम आ गए थे, मैंने ब्लॉग नहीं था बनाया, तो वीडियो मैंने एडिट कर ली हुई है, और इतनी ज़्यादा गर्मियाँ ने वीडियो में वैसे मैं आपको क्या बताऊँ। तो अभी ये हाथ वाली पंखी जो है वो, हैंड फैन जो है वो, बस मैं चोल रहा हूँ। तो अभी ये वाला वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, तो अच्छा रिस्पॉन्स दिया करें। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।